पिछले दिन एनी म्यूजियम में बेहोश हो गई थी। खबर मिलते ही मिस्टर डिसोजा एनी को घर ले आते हैं। जब से एनी घर आई है ना किसी से बात कर रही थी और ना किसी के बातों का जवाब दे रही थी, बस चुपचाप अपने बिस्तर में बैठी थी। एनी के साथ घटी हुई घटना को एनी कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रही थी। एनी को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो इन सब बातों पर कैसे विश्वास करे, किससे इस बारे में बात करे, ऐसी बातों को कौन विश्वास करेगा। एनी जो कल तक खुद ही विज्ञान पर विश्वास रखती थी, आज वो खुद ही ये सब बातों को विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एनी जो कल तक विज्ञान में विश्वास रखने वाली लड़की, आज वो ये सारी बातें किसी से कह भी नहीं पा रही थी, खुद अंदर ही अंदर तड़प रही थी। ये सब देखकर एनी की पापा मिस्टर डिसोजा बहुत टेंशन में आ गए थे। कल दोपहर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनकी बेटी इतनी चुपचाप हो गई है। इन सब के बीच एनी पुराने दिनों को याद करने लगी। जब वो छोटी थी तो अपना पढ़ाई बहुत मन लगा के करती थी। उसकी माँ रोमा हर रोज सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती और हर रोज की तरह उसके पापा ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले निकल जाते अपने कार ड्राइव करते हुए। फिर उसकी माँ का हर रोज आकर कहना, देर हो जाएगी बेटा, बस निकल जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ। कैसे माँ बेटी एक साथ नाश्ता करके घर से निकलते और एनी अपनी स्कूल बस से स्कूल निकल जाती। फिर रोमा अपनी जिम जाने वाली बास का इंतजार करती। फिर बास आने पर वो भी जिम के लिए रवाना हो जाती। फिर हर रोज एनी सबसे पहले घर लौटकर खाना खा के अपने होमवर्क करने लग जाती। रोमा का वो अपने घर से निकलना आखिरी दिन था। फिर उस दिन के बाद रोमा कभी नहीं लौटी, अपनी बेटी से भी नहीं मिली। उस दिन एनी शाम से रात तक रोमा की लौटने की इंतजार करती है, पर फिर भी वो नहीं लौटती है और मिस्टर डिसोजा रात भर ढूंढते हैं रोमा को। अगले दिन पुलिस घर पर आती है और मिस्टर डिसोजा से रोमा के बारे में हर एक जानकारी इकट्ठा करती है। पुलिस ने शहर का चप्पा चप्पा ढूंढा पर रोमा का कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ सालों में एनी बड़ी हो गई थी और कॉलेज जाने लगी। एनी हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट थी। फिर एक दिन उनके कॉलेज से एक एक्सकर्शन का प्लान हुआ। सब दोस्त और टीचर के साथ एनी एक्सकर्शन के लिए शहर में एक म्यूजियम में गए। सारे लोग जहां विचित्र चीज देखने में व्यस्त थे, तब एनी एक मॉमी रूम में जाकर एक मॉमी को देख रही थी। फिर अचानक एनी उस मॉमी का हाथ हिलते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद उसका आंखों का धोखा है। फिर अचानक से उस मॉमी का हाथ पैर और पूरा शरीर हिलने लगा। ये देखकर एनी का बहुत बुरा हाल हो गया था। मॉमी को यूं हिलते हुए देख एनी डरते हुए दीवार से लग खड़ी हुई। फिर एनी जोर जोर से हांफने लगी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये मॉमी कैसे हरकत करने लगी। एनी दरवाजे तक जा पहुंची। लाख कोशिशों के बावजूद भी किसी भी कीमत पर वो दरवाजा नहीं खोला और एनी भाग कर एक स्टोर रूम में जाकर छुप गई। फिर शीशा टूटने की आवाज आई। फिर वो मॉमी स्टोर रूम के बाहर तक जा पहुंची और एनी को अपनी बेटी कहकर पुकार रही थी और ये सुनकर एनी बेहोश हो जाती है। ये सारी बातों को याद करके वो बहुत परेशान और मायूस थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर कल एनी को उस मॉमी से डर लग रहा था, पर आज उसे उस मॉमी से डर महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि वो दोबारा उस मॉमी से मिले। एनी को ऐसे घंटों तक चुप बैठकर देख मिस्टर डिसोजा ने कहा, एनी, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तुम्हें ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। पर एनी अपने पापा को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो अपने ख्यालों में खोई रहती है। अगले दिन बिना किसी को कुछ बताए एनी म्यूजियम में चली गई मॉमी से मिलने के लिए। फिर एनी मॉमी रूम के तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी, मानो उसे किसी बात की उम्मीद थी।
मॉमी को देख एनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहां जाकर उसने देखा किसी ने उस बॉक्स को दोबारा जोड़ दिया है पहले की तरह। फिर मॉमी को एनी ने कहा, माँ मैं आई हूँ, कल अब मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, कल मैं आपको इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी, मगर आज नहीं डर लग रहा, इसलिए मैं आज दोबारा आपसे मिलने आई हूँ। अब कहो ना माँ, आप क्या कहना चाहती थी। पर उस मॉमी से कोई जवाब नहीं मिला। फिर एनी उदास होकर मॉमी रूम से बाहर चली जाती है। फिर एनी धीरे धीरे म्यूजियम से बाहर की तरफ जाने लगी और सोचने लगी, आज माँ ने बात क्यों नहीं किया। अगले दिन एनी फिर से म्यूजियम गई एक नई उम्मीद के साथ, और धीरे धीरे मॉमी के तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उस रूम में जाकर एनी बहुत देर तक उस मॉमी से बात करने की कोशिश करती है। माँ क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, क्या आप एक बार उठकर मुझे देखना नहीं चाहती, मैं इतनी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। एनी बात करते करते देखती है कि फिर से वो मॉमी हिलने लगी, पर आज एनी बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि आज एनी को उस मॉमी में अपनी माँ नजर आ रही थी। फिर मॉमी ने बात करना शुरू किया, एनी तुम आई हो, मुझे पूरा यकीन था बेटा कि तुम जरूर आओगी, मेरे साथ क्या हुआ तुम सुनना चाहोगी, तुम सुनकर हैरान हो जाओगी, ये सारी बातें मैं तुम्हें कहने के लिए ना जाने कितने सालों से इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं जिम में जल्दी काम खत्म करके घर लौटने लगी, क्योंकि तुम हर रोज स्कूल से लौट के अपने हाथों से खाना खाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी घर जाके मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं जिम से उस दिन जल्दी निकल गई थी, इसलिए मुझे जिम का बस नहीं मिला, इसलिए मैं बस स्टॉप तक जाने के लिए जंगल से एक शॉर्टकट रास्ता लिया और उस जंगल के रास्ते से जाने लगी। वह जंगल में कोई भी नहीं था, जंगल से बस स्टॉप तक आने के लिए ब्रिज पार करना पड़ता था। मैं उस ब्रिज की तरफ चलती जा रही थी, पर अचानक से एक बाइक आकर मेरे सामने रुक जाती है। उस बाइक पे जो आदमी था, उसका सांड जैसा शक्ल और गेंडे जैसा शरीर था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। वो आदमी मुझे घूर रहा था, उस वक्त मैं क्या करूं कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, ऐसे में मैं कैसे खुद को बचाऊं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। फिर मैं वहां से पीछे के तरफ जंगल की ओर भागने लगी, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो आदमी अपना बाइक स्टार्ट करके मुझे फॉलो करते हुए आ रहा था। फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागने लगी। फिर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि एक और आदमी बाइक लेकर मेरे सामने आकर रुक गया। वो भी शक्ल और सूरत से गंजा और गेंडा था, और उम्र में भी बड़ा था पहले वाले से। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रही थी, मैं वहां से निकलने का कोई विकल्प सोच ही रही थी। फिर मुझे ये पता ही नहीं चला कि वो बाइक वाला बंदा कब मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसके सख्त हाथों ने मेरे आंखों को और मेरे नाक को बहुत जोर से जकड़ लिया, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। फिर मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए बेटा, मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, एक तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा बेटा, उससे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि उन गुंडों ने मुझे यहाँ मॉबी बना कर रखा है और मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम ये कर पाओगी बेटा। ये सुनकर एनी मुट्ठी बांध कर जोश से कहने लगी, यस मम्मी आई कैन डू इट, मैं कैसे भी करके आपको मुक्ति जरूर दिलाऊंगी। एनी अपनी माँ को मुक्ति दिलाएगी, ये सोचकर एनी के आंखों में एक जुनून था, और ये सब सुनने के बाद एनी की माँ बहुत सुकून महसूस करने लगी। उसकी माँ को ये लगा कि हाँ मेरी बेटी ये कर सकती है। क्या एनी अपनी माँ को मुक्ति दिला पाएगी या नहीं,
ये जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड मॉमी बनी माँ पार्ट 3 जरूर देखना होगा। और पार्ट 3 देखने के लिए अभी हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना होगा। और पार्ट 3 पब्लिश होते ही अब लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए नीचे बेल आइकन को क्लिक करना होगा। और ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना।